कि नगरी रही श्रीपंत, कि नगरी रही श्रीपंत और अभिलेख मिले हैं विजयपाल के, यहाँ खेती नील की होती थी और सिक्के मिले हैं गुप्त काल के। मथुरा के यदि कुलवंश की ये राजधानी हुआ करती थी और ब्याना किले के दम पर मेवाड़ी जनता सुख से सुहा करती थी, कि वाणासुर तेरी नगरी में कभी उषा भी रहती थी और गंभीर नदी की धारा प्रेम की गाथाएँ कहती थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं प्रेमेंद्र एक बार फिर मैं आपके बीच। और साथियों, आज मैं लेके आया हूँ त्रेता युग का मात्र एक जीवित किला, जिसके बारे में आपसे संपूर्ण जानकारी शेयर करूँगा और साथ ही साथ इस किले के अंदर जितने भी महल बने हुए हैं उसकी हम सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करेंगे। साथियों, उषा माता और श्री कृष्ण भगवान के बेटे अनिरुद्ध के बीच में क्या थे संबंध, कौन थी चित्रलेखा और क्या था बाणासुर, और उसकी 1000 भुजाएं होने के बावजूद वो युद्ध में क्यों हारे। साथियों, ऐसे ही कुछ अनजाने फैक्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ गहन अध्ययन करने के बाद में। अब मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि इस किले की आपसे संपूर्ण जो जानकारी है वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो हम सफर अपना शुरू करते हैं और चलो आइए हम चलते हैं अब किले के अंदर। ये हमारा पहला पोल मिला है, पहला गेट है। इसके बाद में हम एक और गेट मिले और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब साथियों, ये विजय पोल है और इसके बाद में दूसरा पड़ेगा चतुर्भुजा पोल, तो उसके बारे में हम सबसे रूप से आपसे वार्तालाप करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, साथ ही पहला गेट मिलेगा, उसके बाद में दूसरा है। तो आप ये रास्ता देख रहे हैं मेरे पीछे का, ये इधर साइड से मैं आया हूँ और ये ऊपर तो बहुत चढ़ाई है। साथ में ये यहाँ पर एक गांव मिलेगा, गांव के रास्ते से आपको गुजरना है। हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, आपको उन सिलसिलेवार तरीके से इसके बारे में बातें करेंगे। काफ़ी लंबा सफ़र है यहाँ से और ये पहला गेट पड़ा था मैं। अब आगे की तरफ हम निकलते हैं और ये बहुत सारी जानकारी है इसके बारे में, आपसे सिलसिलेवार तरीके से इसके बारे में बात भी करेंगे और जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी आपको मिलती जाएगी। ये नीचे से है, मैं ऊपर से आया हूँ, दीवार के सहारे चल रहा हूँ। तो पहले जो दीवारें, जो किले की दीवारें थी, वही मेन इस किले की जो सुरक्षा थी वो इसी दीवार पे ही डिपेंड हुआ करती थी। यहाँ पर भी आप किले देखने जाएंगे तो वही मेन हुआ करती थी। अब साथियों, ये जो मैं अभी आ गया हूँ तो ये जो किला है वो आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ी बड़ी दीवारें हैं। ये वाला पोर्शन है, अब ये दूसरा दरवाज़ा आ गया है, हम इसकी तरफ एंटर करते हुए। तो साथियों, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये एक मेन किले का है। ये एक गोंदी का पेड़ है जो कि काफ़ी मीठी होती है खाने में, हम बचपन में बहुत खाया करते थे इन गोंदियों को। अब हम किले के मेन गेट को नहाते हुए और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। साथियों, आप देख सकते हैं ये किले का मेन जो कि दरवाज़ा है, या मानी सबसे जो यहाँ से किले से बाहर निकलने का सबसे पहला ही दरवाज़ा हुआ करता था। और यहाँ का जो अभी जो कंस्ट्रक्शन है अभी जो पूरी तरह से बिखर चुका है, ये पिलर बिल्कुल एकदम गिरने की तलाश में है और न जाने कब गिर जाए, तो ये बड़ा सावधानी का काम रहेगा। ये देख सकते हैं, और आगे की तरफ हम चलते हैं तो हम दिखाएंगे आपको यहाँ पर शिव जी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर प्राचीन मंदिर है, तो ये शिवालय है, बहुत काफी प्राचीन मंदिर है। मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर,
पानी भी यहाँ पर आता है, पानी की सुविधा कर रखी है। यहाँ पर आते हैं घूमने तो आप पानी पी के यहाँ से जा सकते हैं। ये है यहाँ पर। अब जो हम मेन मुख्य महल की तरफ चलते हैं, यहाँ पर राजाओं का महल हुआ करता था, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो साथियों, ये किसी जमाने में यानी कि बहुत महत्वपूर्ण महल हुआ करता था, विजयपाल यादव के, राजा विजयपाल यादव के जमाने का। और कहा जाता है कि उनका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली था और वो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे। अब हम किले की तरफ घुसते हैं। ताकि ये जो महल मैं अभी आपको बता रहा हूँ पूरी तरह से खंडरों में तब्दील हो चुका। तो साथियों, ये ही जो मेन राजा का महल है वो यही महल है। और आप देख सकते हैं मैं जिस तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ इस महल के बारे में, पूरी तरह से महल है जो जर्जर हो चुका है और अपने निर्माण कार्य की प्रतीक्षा में लगा हुआ है कि कब मेरा निर्माण कार्य दोबारा होगा। और ये पुरातत्व विभाग के अंदर आता है तो शायद इसका कंस्ट्रक्शन भी होना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है फिर। तो ये जो है आप देखेंगे ये पूरा महल का दृश्य है। और यहाँ पर और अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये काफ़ी बड़े हाइट का है जो हमासा, ये विजय स्तंभ है जो कि राजस्थान का सबसे पहला विजय स्तंभ, और ये समुद्रगुप्त के समय का विजय स्तंभ है। काफ़ी प्राचीन। और अब दूसरी तरफ चार से देखेंगे जो आपको एक खम्मासा नज़र आ रहा है, पतला पतला सा, बहुत ही छोटा सा, ये जो कि ये आपका भीमलाट है जो यहाँ का प्रतीक माना जाता है। अभी हम वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं क्या है इसकी विशेषता और ऐसा कुछ वहाँ पर है। समुद्रगुप्त के समय का बनाया हुआ यहाँ का जो विजय स्तंभ है वो काफ़ी मायने में बहुत ही बड़ा है, और आप इसे देखेंगे तो आपको भी आश्चर्यजनक होगा कि ये वाकई ही उस ज़माने का, और अपनी चीज़ें यहाँ पर स्थापित हैं, बनी हुई हैं। तो हम अभी चलते हैं और वहाँ पर फिर हम आपको दिखाते हैं। मैं जो अभी आपको विजय स्तंभ जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, यही वो विजय स्तंभ है। ये वाला विजय स्तंभ देख सकते हैं आप। चढ़ सकते हैं तो हम ऊपर चढ़ेंगे और देखेंगे इस किले का संपूर्ण विस्तार। अभी हम आधी दूरी पे आए हैं। मैं विजय स्तंभ के बिल्कुल टॉप स्थान पर पहुंच चुका हूं, और जहां से मैं ब्याना का जो दुर्ग है उसकी संपूर्ण किलों के बारे में और संपूर्ण आप यहां से उस किले का प्रदर्श्य देख सकते हैं। यहां पर
पूरी तरह से जो कि राजा के महल हुआ करते थे, और यहाँ पर राणा सांगा ने भी काफ़ी यहाँ पर राज किया है। तो ये आप देखिए, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये पूरी तरह से खंडरों में तब्दील हो चुका है। आप देखिए, एक ये महल है जो कि इसके अवशेष ही बचे हैं। बस कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर किसी के पास शायद ही मिले, और काफ़ी कुछ बुकों से, काफ़ी कुछ पुस्तकों से ज्ञान निचोड़ने के बाद मैं इस जगह पर मैं पहुँचा हूँ, और बहुत कुछ जानकारी यहाँ पर मुझे मिली। तो ये जो किला है, ये जो महल है, पूरी तरह से जर्जर हैं। और आप आगे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी महल मिलेंगे। आप देख सकते हैं मेरे जो कि सामने है, वो आप देख सकते हैं इधर के जो महल हैं वो। आके और थोड़ी सी पड़ताल कर लेनी चाहिए कि यहाँ पर भी ऐसा क्या विस्तार हुआ है कि इस प्रकार की वहाँ पर इमारतें खड़ी हुई हैं। तो ये काफ़ी बड़ा विस्तार दिखाई दे रहा है, और वहाँ पर एक शायद तोप भी है। तो वहाँ पर मैं चलूँगा, और वहाँ से चलने के बाद में अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, इसके जो किले की जो दीवारें हैं वो काफ़ी स्थान, काफ़ी जगहों को घेरती हुई आप मेरी तरफ देखेंगे इस साइड साइड से, जो कि पूरी जो दीवारें जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं जो दीवारें हैं, काफ़ी बड़ा विस्तार लेती हुई किले का बहुत संपूर्ण इतिहास मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप जब कभी आएँ तो आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो देख सकते हैं आप, वो आपको एकदम बहुत ही अच्छा लगेगा, और आप हर जगह को देखना चाहेंगे। अभी आप देखेंगे मेरे नीचे जो कि वो महल जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी एक ऐसा स्थान है यहाँ पर, और उसे ही कहते हैं यहाँ पर झौर स्थान। यहाँ पर जो झौर हुआ था, पहला झौर बताया जाता है जो करौली खातों में, पहले से ऑफिशियल जो झौर बताया जाता है वो रणथंभौर का है, लेकिन यहाँ का जो झौर का मेन स्थान है वो यही बताते हैं। बाकी का ये आप चारों तरफ जो किले का संपूर्ण इतिहास है, संपूर्ण जो मैं आपको जो घटना स्थल है वो पूरी आपको बता रहा हूँ, और जो महल है वो मैंने आपको बता दी, ये महल जो रहे हैं ये महल हैं, और बाकी का ये प्राचीन मंदिर है, वो वाला प्राचीन मंदिर है, ये वाला जो आप यहाँ से व्यू पूरा ले सकते हैं किले का। तो साथियों, अभी हम यहाँ से चलेंगे और सीधे चलेंगे यहाँ से, जो पूरा दृश्य दिखाने के बाद में आप देख सकते हैं मेरे जो पीछे है जो सारा सब वार्तालाप जो मैंने आपसे किया इस किले के बारे में, काफ़ी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपसे, काफ़ी बड़ा स्थान है ये। अभी हम चलेंगे दूसरी तरफ, अब हम यहाँ से नीचे की तरफ उतरते हैं। अब साथियों, हम विजय स्तंभ देखने के बाद में अब हम जा रहे हैं तुम्हारे यहाँ पर है साथियों, ये भीमलाट का प्रतीक माना जाता है, और ये प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करता है, यही विशेष। तो साथियों, ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये आपका किले की जो दीवारें हैं वो नीचे की तरफ से आती हुई ऊपर की तरफ चढ़ाई करती हुई, और ये जो रास्ता है इसके सहारे आपको ऊपर की तरफ आना है। और ये यहाँ पर आपको एक गाँव है, जो कि ये गांव के बीच में से आपको गुजर के इस किले की तरफ आना होगा। मैंने आपको ये इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है।